फर्जे आए और सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार रखें। आदरणीय ओम प्रकाश सर। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं औपचारिकता बिना पूरा हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ क्योंकि समय में बहुत है यहाँ पर। और सामाजिक समस्याएं क्या हैं, यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए सभी कुछ से अवगत हैं। एक चीज मैं विशेष रूप से संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके कि हमारे बच्चे गांव में जो है इस समय वो सिर्फ जो रिजल्ट मिल रहा है वो सकारात्मक क्यों नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग पीछा करते हैं। मैं अपनी बात 5 मिनट पूरा रखना चाहूँगा। मित्रों, आप अपने दिमाग में इस चीज पर एनालिसिस कर लीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद हमें सोचिए इस बात को 365 दिनों में हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्या 65 दिन भी सही सही एजुकेशन में दे रहे हैं, 300 दिनों वो लोग क्या करते हैं। क्योंकि कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको अगर मैं टच करूंगा तो हो सकता है यहाँ पर अच्छा ना रहे मित्रों को। बस इतनी सी बात कहूँगा कि चीज का ध्यान रखें, जितना मेहनत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने कार्यों के लिए, क्या वो लोग अपना दिमाग अपना परिश्रम शिक्षा पर लगा रहे हैं जहां से उनका विकास हो सकता है। 300 दिन आप जोड़ लीजिएगा कि मेरे बच्चे, मेरे समाज के बच्चे, मेरे परिवार के बच्चे क्या करते हैं। क्योंकि मैं अगर डे बाय डे बताऊंगा एक महीना आप बच्चों ने ये काम किया जो कि निरर्थक गया, पसीना खूब आया, फिर दूसरी बार दूसरा महीना दूसरे महीने आपके बच्चों ने कार्य किया वो भी निरर्थक गया, चौथा महीना फिर शुरू होता है, 4 महीना बार वो कार्य किया, और कुछ छुटपुट ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो कि 3 महीने वो भी ले जाते हैं जिनका आउटपुट 0 होता है। समय का व्यय होता है, परिश्रम का व्यय होता है, धन का व्यय होता है, लेकिन आउटपुट उसका 0 ही नहीं बल्कि वो माइनस में ले जा रहा है हमारे बच्चों। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा मित्रों, क्योंकि मुझसे बाद में बहुत वक्ता है, बहुत विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं, मैं एक कदम छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर चिंतन मनन जरूर करिएगा कि मेरे बच्चे, मेरे समाज के बच्चे क्या करते हैं। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है जो अनप्रोडक्टिव काम कराते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी हमारे मित्रों को कुछ चीज़ खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मैं दूसरे एक देखता हूँ कि काश मेरे समाज के बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, अगर शायद अपने जीवन को बनाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करते तो निश्चित रूप से मेरी सफलता की ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे समय दिया। संचालक महोदय, मैं अपनी बात मेरा विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे उठाए गए प्रश्नों पर आप जरूर चिंतन करेंगे। धन्यवाद।